आर्यन ने एक प्रश्न पूछा है कि ईर्ष्या का मूल कारण क्या है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। आर्यन, तुम्हारा सवाल बहुत वाजिब है। ईर्ष्या वास्तव में हमारे उन मनोभावों का प्रतिनिधि मनोभाव है जो हमारे अस्तित्व को सारे संसार में फैलाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ ही हमारे जीन में एक इस तरह की कोडिंग होती है कि हमें अपने अस्तित्व को फैलाना है, और यही वो बात है जो हमें अपनी संतति को बनाए रखने के लिए या अपनी संतति को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। और इसी कारण हर जीव जंतु अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और संतति को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक बच्चे पैदा करता है, वंश को आगे बढ़ाता है। प्रश्न ये है कि इसका ईर्ष्या से क्या संबंध है। ये जो मनोभाव है जो कहता है कि आप अपने अस्तित्व को लगातार निरंतर फैलाते रहें, वो जब हमारे सांसारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आता है तो हमें एक तरह की प्रतियोगिता में ढकेल देता है। एक और हम हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा ही सम्मान बढ़े, हमारा ही मान बढ़े और हमारा ही अस्तित्व बढ़े जो सारे संसार में फैल जाए। जब हम ये चाहते हैं तो हम जो दूसरे और तीसरे व्यक्ति हैं उनके अस्तित्व को अपने मुकाबले में खड़ा पाते हैं। हमें लगता है कि चाहे मान सम्मान की बात हो, धन की बात हो, यश की बात हो, किसी भी मामले में इस व्यक्ति को मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए। जब हम इस मनोभाव के जकड़न में आते हैं तो हम अपने आप ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर हम इन नेगेटिव मनोभावों, इन नकारात्मक मनोभावों से मुक्ति चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि संसार सहअस्तित्व पर आधारित है। संसार सहअस्तित्व पर आधारित है मतलब जहाँ हमारा तो अस्तित्व है ही, हमारे अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें हमारे साथियों का, यहाँ तक कि पर्यावरण में मौजूद हर प्रकार के जीव जंतुओं का अपना अस्तित्व है, उनकी अपनी एक जगह है। जीवन का अपना एक प्रवाह है और उस प्रवाह के साथ जीने में जो जीवन का आनंद है वही सच्चा आनंद है, और इसमें किसी तरह की कोई प्रतियोगिता नहीं है। चाहे कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच बात हो, चाहे व्यवसाय में या नौकरी में अन्य लोगों के बीच बात हो, हम अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो यह पाएंगे कि हमारा अपना रास्ता है, उनका अपना रास्ता है। यह संसार एक उस विशाल नदी की तरह है जिसमें सभी लोग शांतिपूर्ण तैरते हुए और तैरने का मजा ले सकते हैं। जब हम यह बात नहीं स्वीकार करते तो अपने आप ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम ये मानेंगे कि ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें एक ही आदमी जीत सकता है, तो जितनी बार भी हम अपने आप को इस दौड़ में शामिल पाएंगे उतनी बार एक के अलावा बाकी लोगों को हारने का एहसास होगा, और ये हार का एहसास ही हमें बार बार ईर्ष्या की नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। लेकिन जिस क्षण हम ये स्वीकार कर लेंगे कि जीवन में ना कोई प्रतियोगिता है और ना ही किसी तरह की कोई गलाकाट दौड़ चल रही है, तब उस क्षण हम ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे। हमें यह स्वीकार करना होगा कि संसार में हमारा आगमन किसी भी तरह की प्रतियोगिता में पड़ने के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए हुआ है कि हम इस तथ्य को समझ सकें, जीवन के रहस्य को समझ सकें, अपने अस्तित्व को समझ सकें, इस बात को समझ सकें कि यह संसार क्या है, आत्म तत्व क्या है और परम तत्व क्या है। और इन सब छोटी छोटी बातों को जब हम हमेशा विचार में रखेंगे, इसके लिए अपने स्वाध्याय का समय निकालेंगे, आत्ममंथन का समय निकालेंगे, तो धीरे धीरे हम ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों से इन में पड़े रहेंगे और इस प्रकार का अपना स्वाध्याय अध्ययन यदि आदि नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन ईर्ष्या के वशीभूत होकर ही काम करने पड़ेंगे, और ईर्ष्या हमें कभी भी सफल किसी क्षेत्र में नहीं होने देगी।